नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूतरा। हरियाणा के पानीपत शहर के गांव सीवान स्थित जिला जेल के बाहर सोनीपत के गांव जाक्सी और कथुरा के लोगों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि उनके बेटे भाई विभिन्न केसों में पानीपत जेल में बंद हैं। बंदियों पर हत्या की साजिश, लूट जैसे संगीन आरोप लगे हुए हैं। इसी के चलते जेल प्रशासन उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। लोगों ने ये भी कहा है कि इन्हीं प्रताड़नाओं के चलते उनके करीब 30 बंदियों ने भूख हड़ताल की है। दरअसल परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन उनके बच्चों से रुपए महंगी शराब की डिमांड करते हैं। ये मांगे पूरी ना करने के बाद भी जेल प्रशासन की मांग बढ़ गई है, इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बता दें कि सोनीपत के गांव जाक्सी निवासी राम कुमार ने बताया कि पानीपत जेल में उसके दो बेटे बंद हैं। दोनों पर डबल मर्डर केस की साजिश रचने के आरोप हैं। उसके एक बेटे ने बीती 31 दिसंबर की रात को चद्दर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं राजकुमार के मुताबिक बेटे ने जेल प्रशासन की प्रताड़नाओं और मांग के चलते यह कदम उठाया था। साथ ही उन्होंने जेल DSP जोगेंद्र देशवाल पर भी महंगी शराब की मांग करने, रुपए की मांग करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अब दीपक हुड्डा DSP आए हैं, जिन्होंने भी इस तरह के बर्ताव करना शुरू कर दिया है। साथ ही आरोपियों के परिजनों का कहना है कि वे DSP को 14 लाख रुपए दे चुके हैं, मगर वे और मांग कर रहे हैं। वे बंदियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी के साथ आरोप है कि उनकी मांग पूरी ना होने के बाद बंदियों को जेल की चक्की में बंद कर दिया गया है। जेल में चक्की एक ऐसा स्थान है, वहाँ ना ही उन्हें खाना दिया जा रहा है और ना ही उन्हें अन्य कैदियों की तरह जेल परिसर में घूमने दिया जा रहा है, जिससे उनके बंदी काफी प्रताड़ित हैं। आपको बता दें कि गांव कथुरा निवासी धर्मवीर ने भी बताया कि उनके बेटे से जेल में मुलाकात की थी। उनके बेटे ने बताया कि उसने जेल में 3 दिन से खाना नहीं खाया है, क्योंकि जेल प्रशासन उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है। पिता ने कहा कि अगर उनके बेटे ने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका जिम्मेदार जेल प्रशासन होगा। वहीं सभी बंदियों का ये आरोप है कि DSP दीपक हुड्डा उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। जेल प्रशासन की रुपए की मांग है। वहीं बेटे ने यह भी बताया कि अगर हालात ये ही रहे तो वह सुसाइड करने को मजबूर हो जाएगा। बता दें कि सोनीपत के गांव मलाना निवासी अभिमन्यु का बेटा भी जेल में लूट के आरोप में बंद है। उनका कहना है कि उनके बेटे को नाजायज तरीके से फंसाया गया है। अब जेल प्रशासन उनके बेटे को लगातार प्रताड़ित कर रहा है। उनका बेटा 11 महीने से जेल में बंद है। वहीं इन सभी परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कई बार जेल सुप्रिंटेंडेंट से बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन वह हमारे कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही हमारे फोन का जवाब दे पा रहे हैं। जी, मेरा नाम धर्मवीर है, गांव कथुरा। मेरा लड़का यहाँ जेल में बंद है और मैं उसको मिला था। उसने कहा मैं 3 दिन से मेरे को खाना भी नहीं दिया जा रहा है और इतना टॉर्चर किया जा रहा है, पूछो मत। चक्कियों में रोक रखे हैं और ये DSP है, डिप्टी दीपक हुड्डा, वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लग रहा है उन्हें। हैं, अगर मेरे लड़के ने सुसाइड कर दी, मैं कहाँ लगूंगा जी, कहाँ जाऊँगा? किस जुर्म तो में हम परेशान? वो छोटे ये 397 मुकदमे में अंदर है, तो वो 3-4 साल से यहाँ है और ये भी इतना टॉर्चर करने लग रहे हैं कि जब पूछो मत। अगर उसको कुछ हो गया तो कौन प्रशासन ही जिम्मेवार होगा? मानो प्रशासन का जिम्मेवार तो इसने, हमने इनसे रिक्वेस्ट भी कर ली, भाई तुम इतनी ज़्यादा प्रसारित क्यों कर रहे हो इनको? कितने अंदर है जी जो भूख हड़ताल के? तो 50 बालक हैं लगभग। आपके बेटे पर किस चीज़ का दबाव बना रहे हैं? इसे ही एक ज़्यादा टॉर्चर करके पैसा दिया जाए, पैसे के लिए वहाँ तो कुछ होता नहीं। हाँ, पैसा दे दो, मोटा पैसा दे दो तो उनको निकालते हैं। अमाउंट भी बताया उन्होंने? ना, कुछ नहीं बताया। ये अमाउंट नहीं बताया तो टॉर्चर करने लग रहे हैं जी। हमारा मतलब है कहने का, टॉर्चर करने लग रहे हैं तो इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। किसी कारण वो को गलत कदम उठा गए, सुसाइड कर गए तो गलत हो जाएगा जी। आप अंदर गए हैं? अंदर गए थे। बेटे की हालत कैसी है आपने देखी? हालत डगमगा रही है, 3 दिन से खाना नहीं दे रहे और ये उन्होंने कहा था वो समाधान नहीं होता, हम सुसाइड पर करने की कोशिश करेंगे जी। और के इलाज के है जब हमारी को सुने नहीं, कहा टाइम पर खाना नहीं दे रहे,
तो इस वास्ते नाम है जी आपका? धर्मवीर नाम है जी मेरा। अंकल जी क्या मामला है, क्यों यहाँ इकट्ठा हुए? मेरे यहाँ दो लड़के जेल में 302 में, हालांकि 120 भी लगी हुई उन पर। बराबर छोटा लड़का 1 जनवरी को एक्सपायर हो गया, 1 जनवरी को एक्सपायर हो गया रुपये के दबाव से। एक ये देशवाड़ है डिप्टी, ये इसको हमने बतेरे रुपये दे रखे, दारू तक पचवा रखी, इसके लिए 2500 की बोतल पचवा रखी हैं। अगर नाटा मारे मुँह पर लियाओ। एक ही बनाया है दीपक हुड्डा, ये उसकी उसी तरह ये दबाव देने लग गया, रुपये ये मांगने लग गए। क्या कहते हैं, रुपये चाहिए और क्या कहना है? अगर रुपये ही नहीं देते है ना, तो चक्की बना रखी है, चक्की हम बंद कर देते हैं उनको, ना बाहर लिखने देते, उसको अंदर अंदर रखे हैं। किधर फोन का, किधर कहे का मुकदमा लाए जा हैं। तीन टाइम में रोटी नहीं खा रहे, रोटी खा नहीं रहे, मिल नहीं रही, हाँ दे भी नहीं रहे, दे भी नहीं रहे। जो पहले जैसे जैसे डांगरा का घास बगा दिया रहे हैं, ऐसे रोटी बगा देते हैं। अभी आपके बेटे से अंदर गए थे, अब बात हुई है, क्या कहा उन्होंने, किस तरह का बताया कि माहौल किस तरह का है? माहौल इसी तरह का है, पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, टॉर्चर करने लग रही है। एक लड़का रह रहा हमारा, एक जनवरी को एक्सपायर होया। वो कैसे एक्सपायर हुआ? वो रुपये के दबाव से, इस दबाव इतने रुपये कहाँ से लेकर दिए? मेरे लड़के 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। जेल में डेथ हुई थी लड़के? हाँ जी हाँ, जेल में हुई थी। किस मामले में बंद है? 302 में, 120 भी लगा रहे थे। 302 पैसे कह रहे हो आप, अभी तक कितने पैसे दे चुके हो लगभग? 14 लाख तो इसको दे सके हम देशवाड़ को, और बोतलों का तो पता ही नहीं। और अभी कितने की मांग इनकी हो रही है? ये एक नया डिप्टी आया, वो आया नया डिप्टी दीपक हुड्डा, अब वो दबाव बनाने लग रहा है उनके ऊपर। अब तो इसको मिले तो तेरे को मिलने चाहिए। क्या मांग है उनकी? मांग तो वैसे हमारा गद के मांग रहे थे, टॉर्चर करने लग रहे, रुपये खाते टॉर्चर करने लग रहे हैं वो। वरना तो कुछ कर थोड़ा रखे। जेल प्रशासन से भी बात हुई आपकी, मुलाकात हुई? मुलाकात हमने एक बार करी थी अपने सुपरिटेंडेंट से, गुजर से। ये नहीं बोला मैं उसको देशवाड़ को समझा दूंगा, कोई बात नहीं है, हमने बात ही ली छोड़ दी। बेटे से बातचीत पहले भी हुई है कभी? पहले भी हुई है। बताया हो भाई किस तरह परेशान कर रहे हैं अंदर? तो परेशानी का तो पैसे का परेशान कर रहे हैं, वैसे पैसे का मामला है। अच्छा, आपके बेटे के अलावा और भी किसी को अंदर प्रताड़ित किया? इसका भी लड़का है, उनको भी कर रहे हैं, और इन शिवाड़ा का भी लड़का है, इनका भी है, सबको कर रहे हैं, सबको परेशान। जो चक्कियां के अंदर है ना, उनको परेशान कर रहे हैं पैसे के लिए। इसका लड़का, ये सब इनका लड़का है। क्या नाम है आपका? राम कुमार। कहाँ से आए हैं? जागसी। बेटे का क्या नाम है? संदीप। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।